हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरे साथ रोड एंड व्हील्स। तो आज का ये अपडेट ये है कि जो आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, कुछ लंबे समय तक ये बैकग्राउंड आप नहीं देख पाएंगे। मतलब कि मीन्स मैं यहाँ से अभी अपने घर को जा रहा हूँ और जिन्हें नहीं पता मैं झारखंड हजारीबाग से हूँ। तो अभी हम घर निकलेंगे और पैकिंग वैकिंग हो चुका है एक्चुअली, और अभी हम निकल रहे हैं। सारा कुछ हो गया और मनु का इंतजार कर रहे हैं। मनु भी आएगा तो साथ में निकलेंगे। मनु कुछ इस तरह अपना पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर गया है। रोहित भाई आया था, अभी जा रहा है और पीछे वाली बस ये लगी हुई है, इससे ये में जाना है। 3:15 में ये बस है और नहीं पता रहेगा हम लोग टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं। बज के 10 मिनट और फिलहाल अभी ट्रेन आई है। ट्रेन की टाइमिंग था 6:45। ट्रेन एंड ट्रैक बना रहे हो क्या? हाँ, रोड एंड व्हील से ट्रेन एंड ट्रैक। आज का वीडियो ट्रेन एंड ट्रैक रहेगा। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो ट्रेन आ रही है। अब हम निकलते हैं नहीं तो छूट जाएंगे। और हाँ, बारिश भी हो रहा है, देख सकते हो आप पीछे पूरा। भैया थोड़ा रोकिएगा, रोकिए ना। Approximately 10 hours later. अभी टाइम 7 बजने चला, लेकिन अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं राउरकेला। और राउरकेला पहुँचने के बाद हम मिलते हैं फिर से। सुबह हो चुका है, ड्राइवर भी मिल गया। तो अभी हम लोग राउरकेला स्टेशन पे ही हैं और टाइम हो रहा है 7:30। और अभी हमारी ट्रेन आने वाली है और ट्रेन आएगी तो हम साथ में दूसरी आने के साथ ही हम निकलते हैं। बताना पड़ गया साथ में कौन कौन है। मनु कि अभी जियो का टावर ढूंढ रहा है। राहुल भाई, सर जी हमारे सीएसी के प्रोग्रामिंग भाई, हर वक्त सोए रहते हैं। अंकित भाई थोड़ी देर पहले मोबाइल में बिजी थे, अभी बस मोबाइल छुपाए हैं। और नासा के प्रोग्राम डेवलपर भी हमारे साथ। हम लोग पहुंच 11 बजे गए थे, बट आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने मन्नू भाई की गाड़ी को पार्सल करवाया था। हम लोग गाड़ी लेना था तो वही गाड़ी अनरैप करवा रहे हैं। और ठीक है, अनरैप करा के चलते निकलते हैं। और आप देखिए आज नई जगह का नया नया लोकेशन। 2 hours later चल रहे भाई। चल ठीक है, निकलते हैं। तो वो ही बोल रहा था कि जब हम लोगों ने गाड़ी लिया उसके बाद अपने दोस्त के यहाँ चले गए थे। और अभी टाइम हो रहा है 2:45 और अब हम यहाँ रांची से निकले हैं। बहुत दिन देख लिए पहाड़ वहाड़, अब थोड़ा शहर भी देखो आप लोग। और हाँ, शहर के बाद एक खूबसूरत सी घाटी भी दिखलाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि रास्ते में आई होप कि बारिश ना हो तो अच्छे से दिखला पाऊँगा। झारखंड युद्ध स्मारक देख सकते हैं आप, इधर है झारखंड वार मेमोरियल।
बट एक चीज तो बोलना पड़ेगा, जब ये अपने रीजन में आने के बाद का जो खुशी होता है ना यार, जो एक्साइटमेंट घर जाने का, वो क्या बोलूँ। मतलब अभी मैं अराउंड 75-80 किलोमीटर पीछे हूँ अपने घर के, और ये अपनापन लगने लगा इस जगह को देख के। यही तो एक अट्रैक्शन होता है अपने घर से सभी लोगों का। और जो आप ये सब देख रहे हो, जितने भी रोड के किनारे का नहीं इस टाइप के झंडे, लाल ब्लू हरा ऐसा, वो उस जगह पे समझ जाना वहाँ पे कोई ना कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ है और ढाबा। हाँ, इस रोड में कुछ आप ट्रक्स बहुत ज़्यादा देखोगे, क्योंकि ये जो पूरा रोड है ना वो NH 33, जिसे झारखंड का लाइफलाइन भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, और नॉर्थ इंडिया के लिए जो रूट है झारखंड से, वो एकमात्र रोड यही है। तो इस वजह से ये रोड आपको काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मेंटेन्ड भी लगेगा पूरा। देख सकते हो ये सब जो बसेस हैं, यही इस रोड में अगर हमें घर भी जाना होता है तो कुछ इस तरह के ही सारे बसेस होते हैं यहाँ पे, एसी के बसेस, और वॉल्वो और मर्सिडीज़ कंपनी की सारी बसेस चलती हैं इधर। तो थोड़ा मज़ा आता है, अगर मैं बाइक से नहीं रहता तो अभी इसी बस जाता होता। जो है ना यहाँ का सबसे डेंजरस टर्न है, मतलब कि टर्न ज़्यादा नहीं है बट स्लोप ऐसा है ना कि यहाँ पे अधिकतर ट्रक्स एक्सीडेंट कर ही जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ले सकते हैं। और सीन ये है कि अभी हज़ारीबाग जो है यहाँ से 55 किलोमीटर और है, मतलब 55 किलोमीटर और। चलो कोई नहीं, आराम से चल रहे हैं, आराम से पहुँच जाएंगे। अभी क्या हुआ था कि जो मैंने लास्ट में वो स्पीड ब्रेकर होता है तो उसमें मैंने गाड़ी स्लो नहीं किया था और स्पीड में ही पार कर दिया, उसकी वजह से हुआ कि जो मेन स्टैंड था वो जाके चेन कवर में टकराया, तो चेन कवर मुड़ गया उसकी वजह से, और चेन कवर मुड़ने की वजह से वो पूरा मुड़ के चेन में टकरा रहा था, उसकी वजह से ये होता है चेन का कवर। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा कर्व होके चेन में टकरा गया था, आप जैसा कि देख सकते हो पूरा घिस गया है, वो चेन में ही ये लड़ा रहा था, और चेन ढीला होने के कारण ये जो चीज़ था ये ऐसा हुआ। और हाँ, अगर आप हज़ारीबाग जब जा ही रहा हो तो हज़ारीबाग के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। हज़ारीबाग जो नाम है ना, यहाँ के हज़ार बागों के कारण पड़ा, मतलब कि 1000 बगीचा थे यहाँ पे, और उसका ही एक पार्ट ये है जो आप साइड में ग्रीनरी देख रहे हो।
टोल रोड हो गया यहाँ से ख़त्म और हज़ारीबाग सिटी भी हम लोग कर गए इंटर। तो ठीक है, और अब मिलते हैं हम आपको सीधे अपने रूम पे। फिलहाल अभी अपने रूम पे हूँ और यार पूरा थका हुआ हूँ, तो बस दो मिनट में मैं फ्रेश होके मिलता हूँ। तो फ्रेश होके आ गया और इनफैक्ट फ्रेश नहीं, थोड़ा खाना भी लेके आ गया क्योंकि यार सुबह से भूखा हूँ, सबसे पहले यार कुछ खाता हूँ यार। हाँ, तो जब कल मैं रूम को आया तो फ्रेश होने के बाद जो खाना खाया उसके बाद जो यार थके होने की वजह से नींद आई है ज़बरदस्त। तो हाँ, अभी दो घंटे पहले ही उठा हूँ और फ्रेश होके अभी वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। और मैं भी आया हूँ अपने शहर हज़ारीबाग, और हज़ारीबाग यार बहुत खूबसूरत सी जगह है, और इस खूबसूरत सी जगह की खूबसूरती को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आई होप कि हज़ारीबाग को मैं और भी अच्छे से एक्सप्लोर करके आप लोगों तक ला पाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, एज ऑलवेज टेक वन वेरी सीरियसली।